जो मैंने ये कहा है कि सुपुत्र जो है, अगर आप किसी को अपना बेटा सच्चे हृदय से मानते हैं तो उसमें वारिस और उत्तराधिकारी तो वो स्वतः आ जाता है। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल। आप ज्योतिबाई जी ने जो भी कुछ कहा इस गीता के, आप उससे जब उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिलाया है, आप सबके सामने कहा है उन्होंने, जब उन्होंने कहा है कि हाँ जब हम किसी को अपना बेटा कहते हैं तो उसमें उत्तराधिकारी और वारिस दोनों शामिल है, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इसकी अलग से कहने की क्या जरूरत है। बेटा मान लिया तो सब कुछ मान लिया, वारिस भी मान लिया। वारिस की बात छोड़िए, मैं चलता हूँ। अगला चुनाव आप लड़ेंगे या आपकी सीट पर रोहित लड़ेंगे जी? अगला जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें रोहित शेखर अपनी जगह से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़वाएंगे? वो चुनाव एक ऐसी चीज है, प्रक्रिया है कि जिसमें वोटर लिस्ट में नाम देखना पड़ता है, उसके लिए वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने से पड़ते हैं, गलत वोटर लिखा काटना भी पड़ता है। तो चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्धारित नियम है, ठीक है, नियम अपनी जगह है, नियम उस पर काम होगा। आप चाहते क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जगह से रोहित चुनाव लड़े? और आपके मेरी जगह पर, हाँ, आपकी सीट पर। मेरी जगह कौन सी है? आपकी सीट, आपकी सीट से नैनीताल नहीं है, जो भी आप, है। आप जो भी है, जो जिसे आप अपनी सीट समझते हो वहाँ पर रोहित को लड़ाएंगे या किसी भी सीट से रोहित को लड़ाएंगे? रोहित लड़ेंगे तो खुद ही हमारा समर्थन हो जाए। आप प्रचार करेंगे उनका? आप क्या चाहते हैं? हम आपसे जवाब चाहते हैं, क्योंकि आपको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं नहीं, आप मुझे चाहते हैं कि आप, आज मेरी भगवान की दया है कि मेरी नानी नाना जा चुके हैं, वो चाहते हैं कि आप मुझे संतुष्ट कर दें। वो ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न पूछ रहे हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ अकेले कमरे में। ठीक है, रोहित माइक अपनी ओर करिए। रोहित माइक अपनी ओर करिए। शिवानी, रोहित का हमारा एक वन लाइनर सवाल है कि क्या रोहित आपके वारिस है या नहीं, हाँ या ना? आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? आप खुद कह सकते हैं, हाँ कह दीजिए या ना। रोहित हाँ ना, ऐसे सवाल जवाब कोई बात नहीं, कोर्ट में भी नहीं होता। रोहित अपनी ओर माइक कर लीजिए। कोर्ट में भी नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं। मेरी कोई संपत्ति क्या है ये बताइए, ये जो यहाँ बैठा हूँ रोहित, विरासत भी तो है। मैं आपके सामने प्रश्न पूछ लेता हूँ रोहित, मैं आपसे मेरी आपके सामने बात ही हो जाए। टू फ्रेम नहीं तो हम कोर्ट के सामने जाते हैं, फिर वही है, एक आपका और मेरा वही प्रश्न चलेगा कोर्ट के सामने कि आप मेरी माता को सम्मान देते हैं, तो वो केवल ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे अगर मानते हैं तो मान लीजिए, पूरा मान लीजिए। आधा मानना क्या होता है? आधा कोई मान नहीं। अगर आप मुझे मान रहे हैं, ये बायोलॉजिकल जो मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो संविधान के आर्टिकल 21 में 21 में राइट टू डिग्निटी है कि हर आदमी को डिग्निटी है, मेरा सम्मान छीना जा रहा है कि मुझे किसी का बेटा कहने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है, जबकि सब दुनिया जानती है कि मैं आपका पुत्र हूँ, साबित हो चुका। तो ये आप अधिकार मुझे देते हैं कि नहीं? संविधान तो दे चुका है। हाँ, जो संविधान कहता है उसका पूरा पालन होना चाहिए जी। आप पालन आप मानते हैं कि नहीं? आप हाँ, आप, मानते आप संविधान को मानते हैं कि मानते, आप मुझे मानते हैं? हाँ? दोनों को मानते हैं आप? संविधान मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे मानते हैं? हाँ। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। हाँ? सबके सामने कर रहा हूँ। अभी आप मानते हैं? वो ईमानदारी बता रहा जी, चेहरा बता रहा। चेहरा क्या बता रहा? आप मान लीजिए, मेरे मान लिया, माना और तो मान लिया। मैं आपसे कोई तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? वो तो खाली आपसे ये सवाल बाकी पूछ रहे हैं कि आप उत्तराधिकारी करेंगे नहीं, वो तो जो रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल क्या है नहीं है, वो तो बाद में देखा जाएगा। आप आज मान लीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे। हाँ। आप मेरी माँ को सम्मान आज दीजिए, आज मुझे आप मान लीजिए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। बिल्कुल मान, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप कितना संतुष्ट हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और अपने पिताजी की बातों से? इफ ही एक्सेप्ट सवाल कर सर, इफ ही एक्सेप्ट हैव यू गॉटन अनइक्वल, व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन सर? बिकॉज यू हैव नॉट बीन सैटिस्फाइड, देयर इज समथिंग, सो आई हैव दैट सेम एप्रिहेंशन दैट यू आस्क हिम, दैट ओनली ही कैन। आई हैव फॉट माय मदर फॉर 35 इयर्स, दिस वुमन इज फॉट,
12 आई सफर्ड अ हार्ट अटैक मैसिव हार्ट अटैक व्हेन आई वाज 28 इयर्स ऑफ एज. पता नहीं मैं क्यों जिंदा बच गया, कैसे बच गया मुझे नहीं पता सर. और ब्रेन स्ट्रोक हुआ मुझे उसके बाद. ये सब होने के बाद क्यों नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया ये उनसे पूछ सकते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है. मैं उनसे ईमानदारी से कल पहली बार मिलने आया हूँ, उनसे सवाल पूछिए आप. ये सवाल उनसे पूछिए, आपके मन में है, मेरे मन में भी यही सवाल अभी तक है. एक बार उनसे पूछ लीजिए, उनका जवाब हम लोगों को मिल गया है. अब आपसे सवाल है कि अब आप क्या करेंगे. वो ईमानदारी से अगर मेरी माँ को सम्मान देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं मेरे, तो सब खत्म है मेरी तरफ से. मेरी तरफ से मैं कोई बुरा नहीं चाहता उनके लिए, एक शब्द नहीं बुरा चाहता. आपकी क्या बात हुई थी कल जब आप मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था आपसे कि आप कोर्ट स्वीकार कर रहे हैं सारी बातें, कानून कोर्ट में जाएंगे या नहीं, कल क्या बात हुई थी. मेरी बात कुछ नहीं होती भाई साहब, मैंने कुछ बात ही नहीं की. मैंने खाली ये कहा कि अगर आप मानते हैं तो खुले मन से माने, क्योंकि ऐसा केस कभी आया नहीं है. और एक अच्छा उदाहरण जाने दीजिए, कम से कम आपके मेरा झगड़ा हुआ, आपने जो भी हुआ तो उससे एक उदाहरण तो हुआ कोर्ट में, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ. कोर्ट के सामने भी आया है केस, कोर्ट ने हमें मान करना होगा कि आदरणीय हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े इसमें फैसले दिए हैं. कोई पढ़े ऐसे जाके, तो मैं चाहता हूँ कि कानून के जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसको, जो मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है इसमें. कल इन्होंने क्या कहा था आपसे, आप वो जरा बता सकते हैं कल जो बात हुई. मेरी बात ये है कि आप ईमानदारी से मेरी माँ को मानिए, ईमानदारी से आपके सामने बात करें. कल तो उन्होंने अपनी टोपी भी इसको पहनाई, टोपी पहनाई, शॉल पहनाया. तो इसको क्या सिंबॉलिक क्या है, पूछिए कि आज का व्यक्ति जो है वो सब कुछ सामान्य चाहता है. तो आपको लग रहा है कल जो बात कही थी आपसे पलट रहा है क्या, ये आपको लग रहा है. मुझे मैं क्या कहूँ, मुझे क्योंकि आपने उत्तराखंड तो सब कुछ, अगर वो कह रहे हैं तो अपने मन से एक बार खुला कर दे. क्योंकि अगर आप मेरी जगह पे होते, अगर आपने अपनी माँ को ऐसे भोगते हुए देखा होता 35 साल, तो आप भी मेरे से यही देखा होता 35 साल, तो आप भी मेरे से यही प्रश्न पूछते. मैं इतना नौटंकी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करिए. रोहित 25 मिनट से हम लोग बैठे हैं जी, मैं एक आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा. आप सही मायनों में संतुष्ट हैं नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बातें कही काफी इस फैसले को लेके, और कहां रह गया है, कहां लगता है बचा हुआ है कुछ कहने को जो अभी तक उन्होंने नहीं कहा. मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हर सामान्य परिवार होता है, जैसे हर सामान्य परिवार है, मेरी माता जी प्रोफेसर शेर सिंह जी की बेटी हैं, जैसे उन्होंने माना, ऐसे ये मुझे क्यों नहीं अपना सकते, इसमें क्या गलत है. और ऐसे मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे हमारे बहुत सारी परंपराएं टूट रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसे स्वीकार कर रहा है और पूरे दुनिया स्वीकार कर रही है कि कई रिश्ते बदल रहे हैं, तो इसको अपनाए क्यों ना. और अगर ये कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ और शायद उन्होंने बहुत विकास किया है अपने क्षेत्र में, तो ये अपने जीवन में विकास करें, मुझे कोई वो नहीं. और जिन्होंने कोई भी गलत किया उनके खिलाफ मैं उसको आवाज उठाऊंगा. इसका मतलब आप क्या है? हाँ कुछ तो है, अगर कर दे तो कर दे. इसमें क्या गलत है कि भाई मैं ऐसे मान लेता, मैं क्या ऐसा बिगाड़ लूंगा किसी का, मैं कौन सी ऐसी नई बात कर लूंगा. तिवारी जी सुन रहे हैं आप रोहित की बातों को, क्या कहना चाहेंगे. रोहित तुम इधर आओ, इधर से. तो यही कहना बार बार कह चुका हूँ और वो उसको दो बार दोहराना रोहित जैसा खुद कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है आपने जो कुछ भी कहा, और वो ये कह रहे हैं कि आप क्लियरली चीजों को नहीं कह रहे हैं जैसा उनका कहना है. सांकेतिक नहीं, पत्रकार है ना जी. है या नहीं जी. मैं पत्रकार मैं भी रहा, और मैंने ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी जिन्हें प्रोफेसर इमेरिटेरिया माना गया है, उनके द्वारा पढ़ा हुआ हूँ. डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत का विदेश मंत्री रह चुका हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुका हूँ, वाणिज्य मंत्री रह चुका हूँ, और लीडर राज्यसभा में रह चुका हूँ. इतना सब एक इतिहास मेरे सौभाग्य मुझे मिला कि मैं इतना काम कर सकूँ. ये ऐसा नहीं होगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ये नहीं होगा. तिवारी जी ऐसा ना हो कि दास्तां कहते कहते हो जाए सब कुछ. एक्चुअली सीधा सवाल का सीधा जवाब हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हम लोग इस बात को थोड़ा बढ़ा रहे हैं. जो सीधा सवाल रोहित आपसे कर रहे हैं, पत्रकार जैसे पत्रकार से नहीं, ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल रोहित का है. अरे रोहित का वो भी पत्रकार हो गए. अपना प्रश्न आपको लग रहा है कि रोहित आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है. आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है आपसे, तो हमें कोई छल कपट नहीं है. कोई छल कपट नहीं है, आप बिना छल कपट के एक बार स्वीकार कर दीजिए.
कोई छल कपट ना करे आप में और मेरे बीच में बहुत छल कपट हुआ, इसको खत्म कर दें, बस खत्म खत्म कर दें, आप ही खत्म कर दें, आज ही खत्म कर देंगे, कपट हुआ नहीं हुआ खत्म कर दें, खत्म 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 खत्म, मेरी माँ को सम्मान दे दें, माँ को सम्मान बिल्कुल, बस ये कह रहा हूँ, और कोई गुस्सा नहीं, कोई कोई वो नहीं, कोई क्लेश नहीं, खड़े हो यार देख ले, बस रोहित जी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, रोहित जी।